कंप्यूटर बाबा ने मीडिया को बयान देते हुए कमलनाथ सरकार को धार्मिक सरकार बताया है, जबकि हनुमान जी को हरिजन बचाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संतों के नाम पर कलंक बताया है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये संत के नाम से कलंक है। इन्होंने जिस ढंग से भगवान हनुमान जी को जो है उन्होंने हरिजन बता दिया, ये संत का भाव नहीं हो सकता और संत हो ही नहीं सकता। ऐसा जो इस टाइप की हरकत करे, बात करे, हम सनातन धर्म के लोग बड़े नाराज हैं, संत समाज नाराज है, सभी नाराज हैं। दरअसल कंप्यूटर बाबा द्वारा 4 जनवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान कंप्यूटर बाबा ने यह बयान दिया। बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन गौमट्टीगिरी स्थित माँ महाकाली मंदिर के पास बनी गौशाला मैदान में आयोजित होगा। 4 जनवरी को यहाँ तैयारी चल रही है। हमारा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से, सर्वधर्म के नाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर एक कार्यक्रम होगा, उसमें हमने सभी को आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी को, माननीय राजा साहब को, हमारे माँ अब्दुल्ला जी को, हमारे बहुत सारे उप मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के सचिन पायलट को और बहुत लोगों को आमंत्रित किया, पूरे देश के लगभग 15 से 20 बड़ी बड़े जो हैं लोग यहाँ आएंगे और एकता दिवस में शामिल होंगे। अब इसलिए कि यह सरकार है, अब कमलनाथ की सरकार है, संतों को भरोसा जताया है संतों ने, और जिस ढंग से कमलनाथ ने सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से काम करना शुरू किया है, हम सबको विश्वास हो गया, निश्चित ये धर्मी सरकार है और आने वाले समय में नर्मदा बचेगी, गौ माता बचेगी और मठ मंदिर बचेगी।